झांसी क्षेत्र में झलकारी बाई नाम की एक महिला थी। उनका जन्म 1830 में एक दलित परिवार में हुआ था। उन दिनों उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। स्थानीय कथाएं बताती हैं कि उन्होंने एक बार एक बाघ को मार गिराया था जो गांव के लोगों पर हमला कर रहा था। उनकी शादी झांसी की सेना के एक सैनिक से हुई थी और तभी रानी लक्ष्मीबाई का ध्यान उन पर गया कि झलकारी बाई एक बहुत बहादुर महिला है। जब रानी लक्ष्मीबाई को उनकी बहादुरी और कुशलताओं के बारे में पता चला, उन्होंने झलकारी बाई को युद्ध कला का और भी अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया। झांसी में अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान राजा की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि झलकारी बाई ने ही रानी लक्ष्मीबाई को नन्हे राजकुमार की सुरक्षा के लिए उनको लेकर वहां से निकल जाने को कहा। एक वीरतापूर्ण कदम उठाते हुए झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह पोशाक धारण की और युद्ध का नेतृत्व किया। तब तक रानी नवजात राजकुमार को लेकर वहां से निकल गईं। लोग कहते हैं कि वो एक शेरनी की तरह लड़ी। कई अंग्रेज सिपाहियों को मारते हुए आखिर में लड़ते लड़ते खुद भी वीरगति को प्राप्त हुई। बुंदेलखंड में बहुत से दलित समाज आज भी उन्हें एक देवी की तरह मानते हैं और हर साल झलकारी बाई जयंती मनाते हैं। हम नहीं जानते कि ऐसे ही कितने गुमनाम नायकों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। अब जब हम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये मेरी कोशिश है कि जितना संभव हो सके उतना ऐसे भूले बिसरे शहीदों की कहानियां सामने लाऊं। झलकारी बाई कोई रानी नहीं थी, न ही राज परिवार में पैदा हुई। वो एक नीची जाति के परिवार में पैदा हुई, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरता की ऊंचाइयों तक बढ़ी और उस क्षेत्र में वो अमर हो गई। ये समय है कि देश उन्हें याद करे। यही वो समय है कि देश युद्ध में उनके वीरतापूर्ण कार्य, उनके साहस और उनकी कुशलताओं का जश्न मनाए। उनके इस परम बलिदान की वजह से ही रानी लक्ष्मीबाई जीवित रहीं और आगे की लड़ाई लड़ सकें। हम भारत की इस महान महिला को नमन करते हैं। नमस्कार।